2,250 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है वो जम्मू कश्मीर में डिग्रेड हो गया है। अभी तक का डेटा कुछ सामने आया है जिसके चलते कहीं ना कहीं ये पूरा एक कंसर्निंग मैटर है एनवायरनमेंट को लेके, और एक रिव्यू मीटिंग की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, और उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि 1,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया जितना भी डिग्रेड हुआ है उसे इस साल के अंदर अंदर रिस्टोर किया जाए। क्या पूरा मामला है इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो पंकज जी स्वागत है आपका जेके मीडिया पे। थैंक यू मैम। तो यही रिस्टोरेशन की बात करते हैं, जहां कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई, ऑफिशियल डेटा सामने आया 2,250 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड बहुत बड़ी लैंड है, जिसके रिगार्डिंग डिग्रेडेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन सामने आई कि डिग्रेड हो चुकी है। और इसी पे एक और चीज ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश भी की जाती है, तो उसके बाद भी नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर इसको आप कैसे देखते हैं जी? मैम एक्चुअली द फॉरेस्ट लैंड डिग्रेडेशन विच इज टेकिंग प्लेस, जैसा कि अभी न्यूज में आया 2,250 स्क्वायर किलोमीटर जो रिस्टोर हो रहा है वो 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर रिस्टोर हो रहा है। बट जब आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो आपको उतना ही एफॉरेस्टेशन करना है एज पर दी बिल्कुल फॉरेस्ट पॉलिसी, एज पर दी गाइडलाइन। और हम ये हमेशा जी कहते हैं कि हम इतने प्लांट्स लगाएंगे। अगर आप ये डेटा देखें, कोई भी डेटा देखें, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता हूं, अगर आप दिल्ली का डेटा देखें कहीं का भी, इतने प्लांट्स लगते हैं उतनी तो जमीन ही नहीं है। आप कहते हैं हमने 2 करोड़ 4 करोड़ प्लांट लगा दिए, कहाँ लगा दिए? रेलवे ट्रैक्स के जी अराउंड, बस फील्ड के अराउंड। आप ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, इट इज माई सजेशन कि फर्स्ट वी हैव टू एलोकेट द लैंड जहां पे प्लांटेशन किया जाए। बिकॉज अगर आप जी देखते हैं कि हमने इतने करोड़ों प्लांट लगाए उतनी तो जमीन अवेलेबल ही नहीं होती है। होता क्या कि रेलवे जी ट्रैक्स के अलोंग, रोड ट्रैक्स के अलोंग लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लान चलता है उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। और ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट लैंड का, इसमें फर्स्ट वी हैव टू एंश्योर कि एक मोराटोरियम रिलीज होना चाहिए जिसमें कि जब ये हम लैंड एक्वायर करते हैं और हम लैंड को डिग्रेड करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को अगर हम जी मोराटोरियम कर दें कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी, कोई लोन नहीं मिलेगा किसी कंस्ट्रक्शन पर्पज के बिल्कुल लिए, तो ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए अगर ये पॉलिसी बन जाती है तो कोई भी लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगी, बिकॉज नो फाइनेंशियल लोन विल बी गिवन फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर ये पॉलिसी बना दी जाए तो फिर डिग्रेडेशन अपने आप कम होगा। और ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट हम लोगों ने करना चाहिए कि भाई बैंक लोन नहीं मिलेगा, आप कर लो कंस्ट्रक्शन कहां करो, बिकॉज लैंड एक्वायरेशन जो भी हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वी प्ले विद द एनवायरमेंट एंड लास्टली वी स्पीक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अंधाधुंध विकास जी ही विनाश का कारण है। अनकंट्रोल्ड जी डेवलपमेंट इज लीडिंग टू डिजास्टर एंड फॉर विच वी आर एक्वायरिंग द लैंड एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। और क्योंकि फॉरेस्ट है दे आर द लंग्स ऑफ दिस प्लेनेट, और अगर लंग्स जी को हम जैसे अभी COVID-19 ने हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट किया है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसी प्रकार से फॉरेस्ट लैंड को डिग्रेड जी करके हम अपने प्लेनेट के लंग्स को इफेक्ट करते हैं। तो जैसा जी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा बहुत अच्छा है कि 1,000 स्क्वायर किलोमीटर को हम रिस्टोर कर ले, बट इतना हम लोग पहुंच पाएंगे तो ये एक इट इज अ पार्ट व्हाट नीड टू बी सीन। बट ये 2,250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हटना अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी यहीं पे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो सामने है वो ऐड करना चाहूंगी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टारगेट सेट किया है कि 1.3 करोड़ प्लांट्स को इस साल जो है वो उगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड रिस्टोर करने की बात की है फॉरेस्ट एरिया, उसके लिए फंड्स भी एलोकेट किए जाते हैं। फंड्स एलोकेशन के बाद भी काम एक तो प्रॉपरली नहीं होता, दूसरा जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो ऑलरेडी उन पेड़ों की होती है जो बहुत जिनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होता है। उसके बाद हम नए पौधे अगर उगाएंगे तो वो जो क्वालिटी जो चीजें वो इन्वायरमेंट को पुराने पेड़ इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करवा पाएंगे वो शायद नए प्लांट्स उतनी जल्दी नहीं वो प्रोवाइड करवा पाए। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स में डिफरेंस है, 100 पेड़ काटे 100 पेड़ लगा दिए से कहीं बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? मैम जो एफॉरेस्टेशन हम कहते हैं जितने पेड़ कटे, एक्चुअली देयर इज अ बायोडायवर्सिटी ऑन जी टू दिस प्लेनेट। तो जब हम जब डिफॉरेस्टेशन जी करते हैं क्या वो ही स्पीशीज के पेड़ लगते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमने यही कहा हमने 100 पेड़ काट दिए, प्लांटेशन एक ही स्पीशीज का मोनोटोनियस किया जाता है। तो जब भी हम ये जी पेड़ कटते हैं जैसे हम कहते हैं इनका लाइफ साइकिल खत्म है, फर्स्ट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इन्वायरमेंटल कॉस्ट। क्योंकि जब वो जी पेड़ जितना ऑक्सीजन को प्यूरिफाई कर रहा था उसमें डिफरेंट स्पीशीज के पेड़ थे उस लैंड पे जिस लैंड से हटाया गया जी पेड़,
और जब किसी दूसरी लैंड पे आप कहते हो हमने पेड़ उतने लगा दिए, क्या वो सेम स्पीशीज के थे, क्या वैसे ही जी डाइवर्सिटी क्रिएट की गई है, वो नहीं हो पाता है। तो ये एग्जैक्टली भी एक मुद्दा है कि जिस एरिया से पेड़ जा रहे हैं किस स्पीशीज के पेड़ कट रहे हैं, कौन सी बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है, सेम नीड टू बी रिप्लेस्ड विद द एट अनदर प्लेस। क्योंकि जैसा हम कहते हैं लाइफ साइकिल है, एक पेड़ का लाइफ साइकिल, अब मैं एक बात रखना चाहूंगा खैर की, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट लगाता है बिकॉज इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा है, तो जी 25 साल के बाद ये कहते हैं कि आप इस पेड़ को हटा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो पेड़, जो खैर को अगर हटा दीजिए, ये जो हमारा ऑक्सीजन जो देते हैं, जो ये लाइफ सपोर्ट करता है, जी इसकी कोई कोई कीमत ही नहीं है। वी कैन नॉट क्वांटिफाई इन टर्म्स बिल्कुल ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ एयर दे बिल्कुल आर प्यूरिफाइंग। तो वो जब आप रिप्ले, वो अगले 40 साल में वो जंगल खड़ा होगा, आपने लगा तो दिया बूटा, लेकिन वो तो अब 40 साल लेगा ना बड़ा होने में। तो ये आपकी बात से मैं वाकिफ रखता हूँ कि वो स्पीशीज आनी चाहिए जिस एरिया से हटी है, सेम बायोडायवर्सिटी रिप्लेस होनी चाहिए और उसमें टाइम फैक्टर भी लगेगा। तो जब हम ये 1 करोड़ पौधे की बात करते हैं, हमें सबसे पहले लैंड एलोकेशन दिखाएं किस लैंड पे लगेंगे जहां पे हम देख पाएंगे, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स, जी रोड ट्रैक्स पे जनरली ये होता है तो वो मेंटेन नहीं हो पाते पानी की कमी के कारण। क्योंकि पेड़ जी लगाना तो आसान है लेकिन पेड़ को मेंटेन करने के लिए हमें पानी चाहिए। और मैं बार बार ये बिल्कुल बात कहता हूँ, बायोडायवर्सिटी एंड वाटर दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जब आप बायोडायवर्सिटी लगाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम क्या कहते हैं कि प्लांट द फॉरेस्ट ब्रिंग आउट द रेन। तो भाई जब जी प्लांट द ट्री, अब आप ट्री को प्लांट करेंगे रेन तो वो लेके आएगा, लेकिन पानी उसको पनपने के लिए, पेड़ बनाने के लिए उस बूटे को पानी आप कितना लेंगे, पहले ये भी पॉलिसी में दिखाइए कि उनका रख रखाव ठीक से होगा। अगले 10 साल जी तक के लिए क्या मेरे पास सफिशियंट रिसोर्सेज हैं, तब तो एफॉरेस्टेशन हमने किया बात समझ में आएगी। अदरवाइज एक कागज पे तो दिखता रहेगा बट रियल बेनिफिट हम नहीं दे पाएंगे। और जी कहीं ना कहीं अपनी पृथ्वी माँ से, अपनी इस प्लेनेट अर्थ के साथ, वी कैन नॉट डू दी जस्टिफिकेशन कि हमें डेवलपमेंट करना था तो लैंड एक्वायर करनी ही थी। वी हैव टू लुक अबाउट कितना डेवलपमेंट चाहिए, कितने की जरूरत है। जी वही इस मीटिंग में से क्या कुछ निकल के आया, इस पूरे सेशन में उसी को डिस्कस करेंगे। जो लखनपुर से एंट्री होती है वहां पे कहा कि क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस किया जाए, प्लास्टिक क्लीनलीनेस कैंपेन जो है वो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से चलाया जाए उसके ऊपर बातचीत करी, लखनपुर की बात करी, प्लास्टिक की बात करें, साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे मेंशन की कि वुल्लर लेक की बात करें तो वहां पे क्लीनलीनेस बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, इसकी सराहना की गई। और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहां पे जल सफाई हो जाती है, और बाकी जगहें भी तो हैं जहां से जो लोकल्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो उन जगहों के ऊपर क्यों ज्यादा काम नहीं होता? सिर्फ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आपने देख ली, वहां साफ कर दिया, बस वहां तक ठीक है दिखाने के लिए, पर जो लोकल्स के लिए एक एनवायरमेंट गंदा क्रिएट हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? जी हाँ मैम, बस मैं ये बात रखना चाहूंगा, जैसे एक आंदोलन चला हर घर हरियाली, हर गांव हरियाली, एक मुहिम जी चलाई गई अवेयरनेस की हर जी गांव हरियाली, जैसे हम वाटर ऑडिट्स करते जी हैं पंचायत में ब्लॉक लेवल पे, अगर हम इसको अवार्ड स्कीम से जोड़ दें, हर पंचायत हर ब्लॉक में बोले जी कि जिसमें जितनी ग्रीननेस होगी, जिस एरिया में जितनी बायोडायवर्सिटी मेंटेन होगी, उस ब्लॉक को, उस पंचायत जी को हम अवार्ड देंगे, उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक ग्रीन ऑडिट होना चाहिए बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन द ग्रीनरी व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट। और इसको अवार्ड से जब हम जोड़ेंगे, लोगों और को ऐसे सम्मानित बेनिफिट्स अगर, करेंगे, जी हाँ क्योंकि बिल्कुल ये बिना ऐसे लोगों अट्रैक्शंस के दी सहयोग जाएंगे से लोग होगा अपने आप नहीं। करेंगे। यस यस, क्योंकि जी इसमें लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें रिवॉर्ड देने होंगे, लोगों को सम्मानित करना होगा। कि जैसे हम कहते हैं ये हमारे स्वच्छता अभी अभियान, आपने देखा होगा कि ये हमारे स्वच्छता के खिलाड़ी हैं, ये हमारे ग्रीन खिलाड़ी हैं। ग्रीन ग्रीन जी अवेयरनेस ड्राइव कैंपेन के स्टार्स के लिए पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अगर हम इसको जोड़ दें ग्रीन ऑडिट्स के साथ कि ये सबसे ग्रीन पंचायत है, ग्रीन ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनलीनेस वो कंजर्व की गई है, तो जिला जो जितने भी डीएम है अगर इसको ये रिवॉर्ड के साथ जोड़ें और ग्राम पंचायतों तक जी ले जाएं, तो कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं इस मुहिम को बिल्कुल अवेयरनेस के साथ रिवॉर्ड के साथ जोड़ दिया। जी बिल्कुल वही आखिर में पॉन्ड्स को लेके भी इंफॉर्मेशन आई, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। 3,700 ट्रेडिशनल विलेज पॉन्ड ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्शन की जिनकी जरूरत है। 57 पॉइंट्स ही उसमें से जो है वो सिलेक्ट किए गए यूटी केपेक्स के तहत रिपेयर के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में। 3,700 में से सिर्फ 53, बहुत छोटी परसेंटेज जो है वो सामने आई, उसमें से भी 37 को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। एक तो परसेंटेज बहुत कम ली पूरे साल भर के लिए, उसमें से भी पूरे जो है वो रिपेयर नहीं किए, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
मैम ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि हम लोग जो हम जी मैं पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम लोग वी आर इन दी कंडी बेल्ट जहाँ पे ऑलरेडी जी पानी कम है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड स्ट्रक्चर्स को जो लोकल भाषा में हम डोगरी में कहते हैं यहाँ पे लोगों को कि छपरीज छपरीज बनाइए, जी आर्टिफिशियल पॉन्ड को आप बनाइए जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। तो ये जो आप जी बात रख रही हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3700 में केवल 57 पॉन्ड का, ओनली 57 पॉन्ड का कैपेक्स बजट से बनना, इस नंबर को बढ़ाने की जरूरत है। और रादर वी कैन ऑलवेज क्रिएट चेक डैम्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड तो ठीक है ये तो बनना है छपरी लोकल लेवल पे ये बने, और जी क्योंकि ये भदोड़ी गांव में अभी जी 100 लाख की लागत से 3 पॉन्ड, एक हमारे एक्टिविस्ट है इन्वायरमेंटलिस्ट है वो काम कर रहे हैं, 32 लाख का 1 पॉन्ड बन रहा है आर्टिफिशियल रिजुविनेशन, सरकार की मदद से बन रहा है। जी बट अगर हमें वाटर को हार्वेस्ट करना है, पॉन्ड से तो हम हार्वेस्ट करेंगे, मैं ये चाहता हूं कि पानी को अगर हम रिसाइकलिंग मोड में, अगर हम गांव पे जब हम कम्युनिटी आरओ की बात करते थे, अगर हम एसटीपी और ईटीपी प्लांट लगाएं जिससे जी पानी को रिसाइकिल कर जी करके वापस भेजें, तो भी हम पानी की ग्राउंड वाटर पे जो हमारा प्रेशर है हम कम कर सकते हैं। तो जो भी हमारे डीडीसी के चेयरमैन है या हमारा जिला प्रशासन है, हम अगर उनको बोले कि कम्युनिटी लेवल बिल्कुल पे रिसाइकलिंग प्लांट आप लगाइए, जितना पानी सप्लाई होता है उसको हमें रिसाइकिल बैक करना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर लगेगी लेकिन पानी आर्टिफिशियल पॉन्ड तो अपने लेवल पे बनी रहे। अगर हम रिसाइकलिंग वाटर को अगर हम रिसाइकिल करवा लें प्लांट के तहत, ईटीपी प्लांट लगवा दें, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट और सीवेज जी ट्रीटमेंट प्लांट एक गांव लेवल पे, तो काफी हद तक हम रिसाइकिल करके अपने पानी के प्रेशर को, ग्राउंड वाटर को हम कम दबाव पे रख सकते हैं। और पॉन्ड के नंबर को बढ़ाना जी बिल्कुल जरूरी है लेकिन इसमें बजट काफी लंबा लगेगा, तो छोटे छोटे लेवल पे हम वाटर ऑडिट्स कर लें, छोटे लेवल पे वाटर ऑडिट करके हर एक पंचायत का ये निकाल लें इसकी कंजम्पशन पैटर्न क्या है, एक स्टडी हो जाए, जी कंजम्पशन पैटर्न पता लग जाए, कंजम्पशन पैटर्न पता करने के बाद, वाटर ऑडिट करने के बाद हम रिसाइकलिंग प्लांट का प्रपोजल दे दें और छपरीज और आर्टिफिशियल पॉन्ड चलते रहेंगे। इन चीजों को जी अगर ये दो चीजें और हम जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है वो हमें सहयोग करें, इन सुझावों पे आगे बढ़े तो हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है। जी इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। मैं चाहूंगी जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि प्लास्टिक को, बिकॉज ये जो धरा है वसुंधरा हमारी प्लेनेट अर्थ, आज बात पॉल्यूशन की है, पानी की है और फॉरेस्ट की है, मैं ये बताना चाहता हूँ जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि भैया देयर इज एवरीथिंग नीड टू बी इन बैलेंस, हाँ देयर जी ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मदर अर्थ के गुस्से से अगर हमें बचना है, क्योंकि माँ का जो गुस्सा है वो ये गुस्सा भी हम देख रहे हैं, तो जी वी हैव बिल्कुल टू लिव इन बैलेंस विद द नेचर एंड वी हैव टू डेवलप ओनली दैट पार्ट व्हाट वी नीड। आज डेवलपमेंट के नाम पे मैं देख रहा हूँ पर्यावरण का अंधाधुंध शोषण हो रहा है, वी आर बिल्कुल एक्सप्लॉइटिंग इन्वायरमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट लाइक एनीथिंग, एंड लेटर ऑन वी आर स्पीकिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो इन स्पाइट ऑफ कॉलिंग डिजास्टर वी शुड ऑलवेज यूज द रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस फैशन एंड ट्राई टू गो बैक टू द एंसेस्ट्रल काइंड ऑफ थिंग जो आज टेक्नोलॉजी खत्म जी करती जा रही है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं घर वापसी हो गई, बैक टू दी ओरिजिनल, 20 साल हम पीछे चल जी के उन्हीं प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन सारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो ये थे डॉक्टर पंकज मेहता हमारे साथ, जिन्होंने शेयर की इन्फॉर्मेशन की बात करें अगर पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय फॉरेस्ट लैंड को लेके क्या कुछ अपडेट आ रहा है, साथ ही साथ कितना लैंड डिग्रेड हो चुका है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई, और उसके ऊपर अभी तक कितना काम हुआ है, कितने फंड एलोकेट हुए हैं और किस तरीके से उसके ऊपर फर्दर काम करने की जरूरत है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और कॉन्वर्सेशन लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत।